देखिए, श्रीनगर के हैदरपुरा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो लोग मारे गए उसमें डॉक्टर भी थे और एक सेल्समैन जिसका ताल्लुक जो है गूल से था। उनकी फैमिलीज ने यह बात मानने को इनकार किया है कि वो किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में मुलविज थे। ये बात नई नहीं है क्योंकि हमने शोपियन का एनकाउंटर भी देखा जिसमें रजौरी के कुछ नौजवानों को जो है मारा गया और उसके बाद जब हमने वो मसला उठाया ये साबित हुआ कि वो बेकसूर थे। और डीएसपी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह भी साबित हुआ कि किस तरीके से उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने अपने टेन्योर में कई बेकसूर कश्मीरी नौजवानों को एनकाउंटर के जरिए मरवाया अपने स्टार्स और अपनी रैंक्स को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं गवर्नर इंतजामिया से यह अपील करना चाहता हूं कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ उनकी फैमिलीज को इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और शक यहां होता है कि रातों रात जल्दबाजी में उनकी डेड बॉडीज को क्यों दफनाया गया, फैमिलीज को डेड बॉडीज क्यों नहीं हैंडओवर की गई। मासूम बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें अपने वालिद का चेहरा भी देखने को नसीब नहीं हुआ। ये जुल्म है और हमने देखा है कि पहले भी एनकाउंटर्स होते हैं जो मिलिटेंट होता है उनकी फैमिलीज ये एक्सेप्ट करती हैं कि हां ये इस एक्टिविटी में मुलविज था। लेकिन डॉक्टर रहा है, सेल्समैन और खासकर गूल का जो बच्चा था वो तो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड था और उसके वालिद ने कहा है कि वो प्रो इंडिया था। तो सवाल उठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि आपने रातों रात उनकी डेड बॉडीज को क्यों दफनाया, फैमिलीज को क्यों हैंडओवर नहीं किया और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो इसमें कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बीजेपी क्या ये तो नहीं कर रही कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं और जिस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, चाहे उसमें सिविलियन हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, और अब मासूमों को टारगेट किया जा रहा है ये साबित करने के लिए कि हम रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। इसलिए हम ऑनरेबल गवर्नर से दरखास्त करते हैं कि इसको थॉरली प्रोब किया जाए और जो कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए और पब्लिक के सामने पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कश्मीर में चल क्या रहा, कब तक बेकसूर लोगों का एनकाउंटर किया जाएगा और अपने रैंक्स के लिए, अपनी पोजीशंस के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए हुकूमत इस हद तक भी जा सकती है। यह बहुत अफसोसनाक बात है।